स्रोत। सांप्रदायिक सद्भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले नारों से पूरा जंतर मंतर गूंज उठता है। अब सवाल यह है कि जंतर मंतर पर इतनी कड़ी पहरेदारी होने के बावजूद भी कैसे लगाए गए ये जाति विरोधी नारे। एक तरफ जहां हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बीते रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जाति समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक सद्भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले नारे लगाए जाते हैं। एक तरफ कोरोना नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक सद्भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले नारों से पूरा जंतर मंतर गूंज उठता है। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि हमारे देश के बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी जैसे लोगों की मानसिकता कैसी है। ये वो लोग हैं जो चुनाव आते ही सुर्खियों में बने रहने के लिए जातिवाद का सहारा लेकर तुरंत अपना मतलब सिद्ध करने में जुट जाते हैं। चंद वोटों के लिए ये पहले हमारे देश की एकता पर वार करते हैं और फिर हमारे आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जहां इस देश में आम आदमी के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर उसे ट्विटर पर हैशटैग चला उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं द्वारा ऐसे विरोधी नारेबाजी प्रदर्शन पर भी हमारे देश का प्रशासन आंख बंद करके तथा मौन व्रत धारण करके खड़ा रहता है। हमारे प्रशासन की आंखें तब खुलती है जब जनता के बीच में ऐसी वीडियो वायरल होती है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, तो सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर इतने कड़े पहरेदारी होने के बावजूद भी कैसे ये विरोधी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर घुसकर विरोधी नारेबाजी करने में कामयाब हो गए। हालांकि जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिल्ली पुलिस ने सुबह पहले 3 बजे तलब किया, उसके 8 घंटे बाद यानी सुबह 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 5 और लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस को कई और लोगों की भी तलाश है। अब देखना यह है कि इस विरोध प्रदर्शन के ऊपर दिल्ली पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। ऐसी ही नई खबरों की अपडेट देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। मैं शिवानी दुबे फिर हाजिर होंगी आपके सामने कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।